जनरल जनरल एंट्रीज़ हमने बना ली थी। अब इसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, वो है बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे पहले से उतार दिया है। अच्छा, सबसे पहले हमें फिक्स एसेट लिखने होते हैं। फिक्स एसेट की जो हमारे पास वैल्यू है वो है, सबसे पहले हम लैंड की वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारी जनरल एंट्रीज़ के अंदर जो डेटा है आप उसी से ही लेकर बैलेंस शीट बनाएंगे। लैंड की अमाउंट है हमारे पास 2 लाख। अच्छा, सेकंड है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट है हमारे पास 60,000। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास तीसरी इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की अमाउंट है हमारे पास 4 लाख। उसके बाद है हमारा गुडविल। इसकी टोटल हो गए हमारे पास 1 लाख, 4 लाख, 5, 2, 7, 7 लाख, 60,000, 760,000 करंट एसेट। करंट एसेट में हमारे पास पहले एसेट आ गया कैश। कैश की अमाउंट हमारे पास है 693,000। सेकंड हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट है हमारे पास 250,000। लेस। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स जो है उसकी वैल्यू अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस होती है। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स की अमाउंट थी हमारे पास 20,000। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद जो करंट एसेट है वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की अमाउंट है हमारे पास 300,000। इनका टोटल कर लेते हैं हम। इनका टोटल बनेगा, बन रहा है हमारा, इन सब का टोटल हमारा बनेगा 1983,000। लाइबिलिटीज़ का डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ के नाम वहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ है, अकाउंट्स पेबल 97,000। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लिख दिया। नोट्स पेबल की अमाउंट आएगी यहाँ पे, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का सेक्शन था, 80,000 पेबल 97,000। इक्विटीज़ के अंदर दोनों की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, माहीन और रहीम की। माहीन कैपिटल 903,000।
रहीम का भी सेम कैपिटल आ जाएगा 903,000। इन सब का टोटल जो होगा वो आएगा हमारे पास 1983,000। इसका नाम होता है टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़।